हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें दूसरी बार मोहिंद्र सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान धर्मशाला में प्रेस से बातचीत करते हुए हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित 6 उपजातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। समुदाय की 25% उपजाति के लोगों को गद्दी शब्द मिला है, जबकि 75% को वंचित रखा गया है। मोहिंद्र सिंह ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित उपजातियों में 6 को अब तक वंचित रखा गया है, जिसमें हाली, सिप्पी, वाड़ी, डोगरी, रिहाड़े व लोहार की मांग लंबे समय से उठाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर मांग उठाई थी, लेकिन अब तक मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4 लाख की जनसंख्या रहती है, यदि आज ही के आज सही से उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। हमारा यह है कि हम गद्दी समुदाय के लोग हैं और गद्दी समुदाय के 6 उपजातियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी यही मांग थी कि जो हमारे राजस्व अभिलेख में त्रुटि हुई है, 25% लोगों के साथ तो गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन लगभग 75% लोगों के साथ जो है गद्दी शब्द कहीं लिपि की त्रुटि के कारण छूट गया है, जिसकी सरकार ने 4-4 बार जो है वो छानबीन करवाई है। और 4-4 बार छानबीन करवाने की मुझे नहीं समझ, हमें नहीं समझ कि ये किस लिए 4-4 बार करवाई जा रही है। एक ही बार की जांच पड़ताल के बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन 4-4 बार इसकी नोटिफिकेशन 4-4 बार जांच करवाई गई है। और सरकार से हमारे यही आग्रह है कि आप जो है नोटिफिकेशन जो है आज के आज जारी करें। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सरकार के ऊपर शायद कोई ना कोई दबाव है, जो सरकार जो है इस काम को नहीं कर रही है, अन्यथा 4-4.5 लाख लोगों को इसमें सवाल है और चुनाव भी सर के ऊपर है। सरकार को हमारा एक काम अति शीघ्र कर लेना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ही कोई नेता लोग हैं, गद्दी समुदाय के लोग हैं, जो कि हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं। और जब वो हमारा पक्ष नहीं ले रहे, हमारी बात मंच पर नहीं रख रही है, तो इस समय एक शंका हमें पैदा होती है कि शायद इन्हीं लोगों का कहीं हाथ तो नहीं है कि इन लोगों के साथ गद्दी शब्द जुड़ जाए। क्योंकि जैसे ही गद्दी शब्द जुड़ता है तो हम लोग भी सामाजिक दृष्टि से जो है उनके बराबर आ जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारे बराबर पहुंच गए तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मुझे हमें अपने स्थानीय नेताओं पर भी पूरा शक है और सरकार से मेरी यही विनती रहेगी कि आप साक्ष्य के आधार पर, हमारे कथनों पर नहीं, साक्ष्य के आधार पर जो आपने जिलाधीश कांगड़ा के द्वारा जो है एकत्रित करवाए हैं, उनके बेस पर जो है नोटिफिकेशन आपको आज के आज ही कर देनी चाहिए, यही मेरा कहना है। आज से आचार संहिता लग रही है, तो क्या आने वाले चुनावों में आप जो है चुनावों का बहिष्कार करेंगे? चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम वोट तो जरूर करेंगे, लेकिन हम अभी यही देख सुन के करेंगे कि जो सरकार हमारा काम आगे करने की मंशा रखती है हम उसी को समर्थन देंगे।